अबार तो कटे बैठ जाओ मैं आवे जद सरप्राइज लेके मुझे बहुत ज्यादा फ्रेंड ने भेजे मेरे लिए हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये जो व्लॉग आप देख रहे हो, ये है गुरु पूर्णिमा के दिन का। इस दिन मैं और मम्मी, हम दोनों हमारे जो गुरु हैं जय गुरुदेव, उनके गए थे हम लोग सत्संग में। इनका आश्रम है यहीं पे जयपुर के अंदर भांकरोटा में, तो यहाँ पे अक्सर सत्संग वगैरह होते रहते हैं, लेकिन हर बार हमारा जाना नहीं हो पाता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, दूर होता है इस वजह से। तो इस बार मम्मी की इच्छा थी कि गुरु पूर्णिमा है तो चल के आते हैं, सत्संग वगैरह सुन के आते हैं। तो बस मैं और मम्मी आ गए थे। सत्संग सुबह 5 बजे शुरू हुए थे, 12 बजे तक थे और दोनों टाइम होते थे, और 2-3 दिन पहले से ही हो रहे थे, लेकिन हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन ही गए थे। इस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह से ही, तो हम लोग सुबह 5 बजे तो नहीं गए थे, लेकिन 7-7:30 बजे से हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। भैया हमें छोड़ के आ गए थे, फिर वापस जाते टाइम तो मैं और मम्मी बाय बस चले गए थे। तो बस हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो ऑलरेडी इतनी सारी भीड़ थी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आके पहले से रहे हुए हैं, और सिर्फ जयपुर से ही नहीं, बाहर यूपी और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे तंबू तान के और बैठे हैं। जैसे हरियाणा, दिल्ली, हर जगह से इनके जो भक्त हैं वो आए हुए हैं सबके एक साइड में। तो ये जो टेंट का सा बना हुआ है, ये परमानेंट बना हुआ है टीन से, तो इसके नीचे काफ़ी लोग बैठे हैं, साइड में ये तंबू वगैरह हैं, और उसके भी साइड के अंदर सब लोगों के रहने के लिए तंबू वगैरह की व्यवस्था है। जिस जिस जगह से आए हैं वहाँ वहाँ उन लोगों के तंबू एक तरफ बने हुए हैं। यहाँ पे खाने वगैरह की सारी सुविधा है, सब कुछ है, मतलब जो जहाँ से जिस क्षेत्र से आया है उस क्षेत्र का यहाँ पे है, और ये बहुत दूर जगुरुदेव बैठे हैं। तो जो हमारे गुरु थे जगुरुदेव, वो अब शांत हो चुके हैं, तो ये उनके बाद में जो गुरु बने हैं ये उमाकांत जी महाराज हैं, तो ये अभी वो ही दे रहे हैं यहाँ पे जो सत्संग है, वही कर रहे हैं। तो हम लोग बस वही सुन रहे थे। हम लोगों ने 12 बजे तक यहाँ पे सत्संग वगैरह सुने और मेरे पैर सो गए थे, तो हम लोग एक एक दरी लेके गए थे। मम्मी दरी लेके गई थी और छत्ता लेके गए थे कि अगर मान लो बारिश वगैरह हो तो काम आ जाएगा। तो दरी हम लोगों ने मिट्टी में बिछा ली थी अच्छी सी जगह देख के, और उसके बाद में बस ठीक है, हम लोगों ने सत्संग वगैरह सुने काफ़ी देर तक। फिर जब पूरे सत्संग हो गए तो हम लोग आगे दर्शन के लिए गए, और काफ़ी लोग पहले ही चले गए थे, जैसे कि जो बहुत सुबह से आए हुए हैं वो लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे, लेकिन हम लोग लेट ही गए थे। तो हमने जब पूरा सत्संग समाप्त हो गया था हम तब तक रुके थे, और आज गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग का लास्ट दिन है यहाँ पे। फिर दोबारा कभी होंगे, एक बार के जो 4-5 दिन के सत्संग थे वो अब पूरे हो गए, तो बस लास्ट के अंदर सब लोग उनके जो जय गुरुदेव हैं उनके दर्शन के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए आगे जा रहे हैं। तो हम लोग भी गए थे और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मम्मी तो प्रसाद के लिए आगे गए ही नहीं, मैं ही गई थी और ऐसे धक्का मुक्की करते करा के बस प्रसाद चढ़ा के आ गई थी मैं। और लास्ट में हमें वहाँ पे ना मम्मी के मामी सा भी मिल गए थे, और ये जो मामी सा है ना, इन्होंने ही बना रखा था जगुरुदेव को पहले अपने गुरु, तो मम्मी उनको कहती थी कि मुझे भी इन्हीं को बनाना है गुरु। तो फिर जब ये यहाँ जयपुर आए थे सत्संग दे रहे थे, तो उन्होंने मम्मी को बुलाया कि मैं गुरु बनवा लो आप, तो मम्मी आए थे। फिर जब मम्मी खुद के गुरु बनवाने आए तो मम्मी मेरे को भी लेके आ गए थे। मैं उस टाइम शायद 10th, 11th, or 12th में थी, तो मम्मी ने मेरे भी गुरु बनवा दिए थे उसी टाइम, तो मेरे और मम्मी के गुरु साथ में ही बने हुए। अगर आप जयगुरुदेव की तरह पहुंचे रहोगे तो वही जो समान और छोटे अनपढ़ आपको कहते हैं, वही लोग कल आपका पैर छूने लगेंगे। बराबर बोलते रहे, सत्संग समाप्त होने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे प्रसादी ली, तो मैं, मम्मी और जो नानी सा है, मतलब मम्मी के जो मामी सा हैं, हम तीनों यहाँ बैठ के प्रसादी ले रहे थे, और मेरी शक्ल देखो कितनी स्वेटिंग और इतनी गंदी हो गई थी। गाइस
सभी तक के ब्लॉग में आपने देखा कि गुरु पूर्णिमा के दिन मैं और मम्मी गए थे जयगुरुदेव के आश्रम के अंदर, जो कि यहाँ जयपुर में भाकरोटा में है। तो मेरे और मम्मी के गुरु सेम ही है, जयगुरुदेव। तो वहाँ से आते वक्त फिर हम लोग चले गए थे लहरी की शॉपिंग पे। प्लान नहीं था, बट फिर मम्मी को गाँव जाना था तो मम्मी ने कहा कि मैं पहले कर लो शॉपिंग, लहरिया वगैरह दिला देती हूँ। तो मैं और मम्मी दोनों गए थे। आते वक्त हम लोग रास्ते में से लेके आ गए थे, तो जसवंत नगर है खातीपुरा साइड, चांद बिहारी, वहाँ से हम लोगों ने परचेजिंग करी थी। और पर्टिकुलर कोई शॉप नहीं थी, बट हम लोग ढूंढते ढूंढते चले गए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था वहाँ पे। और गई तो मैं दयाल बैंगल्स की थी, बट वो क्लोज था, तो उसके जस्ट सामने थोड़ा सा आगे चल के शोभा परिधान करके शॉप थी, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। और वहाँ से मैंने जो परचेजिंग करी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लिए, एक दो ही लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिया था ये भोपाल शाही, जो मैंने ओपन करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। इस बार ये लहरिया मुझे दिलाया है मेरी मम्मी ने, तो हर बार मम्मी कॉटन वगैरह का दिलाते हैं और मैं हर बार कहती हूँ कि मैं लूँगी, और फिर लास्ट में मैं ये सोच के कैंसिल कर देती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मैं पहनती भी नहीं हूँ, इतना ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, तो फिर मुझे लगता है घर में प्योर का पहन के क्या करूँगी, तो मैं कॉटन के ही ले लेती हूँ। बट मेरी हर बार इच्छा रहती है कि नहीं लूँ, ऐसा मेरे पास भी होना चाहिए। तो फाइनली इस बार मम्मी ने मुझे ये वाला ही दिलवा दिया कि कहती रहती हूँ तो इस बार यही ले लो। तो बस फिर मैंने ये वाला ले लिया। और लहरिया इससे पहले मेरे पास प्योर में नहीं है, प्योर में बस ये फर्स्ट ये लिया है मैंने। और एक और इस तरह का लहरिया मेरे पास, उसमें रेड और येलो है, वो मम्मी का था, मतलब बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब से मम्मी का था, मम्मी के टाइम का था। तो जब मैं जैसे बड़ी हुई तो मैंने कहा कि वो मुझे ही चाहिए, तो मम्मी ने वो मेरे लिए रख लिया था, तो मेरी शादी में मम्मी ने मुझे वो दे दिया था। तो बाकी मैं कॉटन के बना लेती हूँ, पहन लेती हूँ। और प्योर में एक ये है और एक वो वाला है, तो लहरिया यही है। बाकी जो सूटों के साथ आते हैं, पर्टिकुलर लहरिया ही हैं, बाकी तो सूटों के साथ के हैं कि दो तीन लहरिया, वही दो तीन कलर का कोई भी ओढ़ नहीं होती है, वो लहरिया बनी जाती है। तो ऐसे दो तीन और हैं, बट पर्टिकुलर ये दो ही हैं। और नेक्स्ट ये वाला लहरिया था जो कि लिया है मैंने खुद ने, तो इसकी ओढ़नी तो मैंने पिको के लिए दे दी है और ये मैं सिलूंगी। तो ये मैंने खुद ने लिया था मेरे लिए। और भी डिज़ाइंस थी वहाँ पे जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर सुंदर थे, जो आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, ऑनलाइन आजकल सब जगह है, तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब हर जगह मिल जाएगा। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 650-700-500-1000 के अंदर, मतलब आपको बहुत अच्छी रेट में मिल जाएंगे। बट मुझे चाहिए था कि कुछ रेगुलर हो, कि सदाबहार रहे, कभी उसका फैशन आउट नहीं हो, तो मैंने यही लिया, ये हमेशा चलते हैं। और इसके लिए लहंगा मैंने नहीं लिया, क्योंकि लहंगे तो खूब सारे होते हैं, तो कोई सा भी चल जाएगा। और बस ये मैंने लिया, वो मम्मी ने दिलाया मुझे। और इसकी ओढ़नी है जो पिकू के लिए गई हुई है, और इसको मैं सिल लूँगी। और प्योर वाली है, उसके भी मुझे गोटा लगाना है। ऐसे तो लगवा देती हैं मम्मी गोटा, लेकिन जहाँ से लगवाते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लगाते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आते, तो मैंने कहा धीरे धीरे मैं ही लगा लूँगी, अभी टाइम है पहनने में, तब तक हो जाएगा मैनेज। और इसके अलावा हम लोगों ने लिए, अच्छा मैं इनकी आपको प्राइस बता देती हूँ। तो इसकी जो प्राइस है वो है 1300 रुपये, और ये जो मैंने लिया था ये है 350 का। तो एक लहरिया हम लोगों ने ऐसा और लिया था, उसके साथ लहंगा भी लिया था, वो मम्मी ने किसी और के लिए लिया था। तो ऐसे करके कपड़ों से हमने सिर्फ इतनी सी शॉपिंग करी थी, और ज़्यादा शॉपिंग करी नहीं लहरिया की, क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन देखा था, मुझे वो लेना था, तो उसका प्राइस लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगा, मैंने ऑनलाइन पूछा भी था, बट ऐसा ही था, उसमें ऐसा सा ही है, उसके अंदर नीचे बंदेज है, तो मुझे वो बहुत पसंद था, लेकिन वो मेरे को प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा उसका, तो फिर मैंने उसका भी डिले कर दिया है, मतलब वर्थफुल नहीं लगा, इतना ही ज़्यादा प्राइस का मुझे लगा नहीं। इनके अलावा हम लोगों ने लिए, एक दो चूड़ियाँ ली थी, तो ये लिए थे मैंने कड़े, ये मेरे को 70 रुपीज़ के मिले थे, तो ये मैंने डेली के लिए लिए हैं, क्योंकि डेली पूजा वूजा करने मंदिर जाते हैं, तो उसके लिए ये लिए मैंने। और एक मैंने लिए थे ये वाले, ये तो कॉमन से ही हैं दोनों, ऐसा कुछ अलग से डिज़ाइन नहीं है, बट ये मेरी ड्रेस के थोड़ा मैच हो रहे थे इसलिए ये वाले लिए, और ये मैंने डेली पहनने के लिए लिए हैं। इसके अलावा एक ये कांच के कड़े, ये तो ये मेरी फ्रेंड ने भेजे हैं मेरे लिए, तो मैंने सोचा ये भी दिखा दूँ आपको। अभी मोस्टली एलिफेंट और उसके पिकॉक वाले चल रहे हैं, और ये वो मेरे लिए ये वाले लेकर आई थी, शेर के मुंह वाले, नार मुख के, तो इनका कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लगेंगे, अगर मैं ऐसे भी पहनूंगी तो भी बहुत प्यारे लगेंगे, वैसे ये तो हर किसी के साथ अच्छे लगेंगे। तो और ये कांच के हैं, तो डेली में तो मैं नहीं पहनूंगी, बट फिर कभी पहनूंगी। तो बस यही शॉपिंग हम लोग करके लेके आए थे। सो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे और वीडियो में लेके आऊँगी तो ज़रूर देखना, सपोर्ट करना। बाय।